भगवान राम अयोध्या में उनके राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक काम अयोध्या के अंदर हुआ, जिस कालखंड के कम से कम भगवान राम के नाम पे तो शांत हो जाए आप लोग। बोलिए ना। यस, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आजाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है। और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में, जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहां जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आजाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी हैं। और इसलिए उनके जमाने, क्योंकि उनके जमाने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके जमाने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण, नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विन्दते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग, इस सदन के हम ही सभी सांसद, आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। और इसलिए भारतीय भाग आकाश में राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र है, वो जाकर के हमारे दक्षिण भारत में जाकर के कहीं वो रामान्ना बन जाते हैं, कहीं वो रामैया बन जाते हैं, कहीं वो रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर स्थापित होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। इसलिए राम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए भगवान राम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है,
उसकी भारत और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में जाकर के राम जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए सत्य सनातन और शाश्वत इसमें भगवान राम को हम लोग मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले कुछ बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे पूर्वजों के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने का अगर कोई प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक स्रोत है, तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से और हम जितना हमारे जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके हिसाब भगवान राम 24वें त्रेता में पैदा हुए। और 24वें त्रेता इस बात के लिए भी इस सम्मानित सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। वाल्मीकि रामायण ने कहा है यतो हो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहाँ राम है वहाँ धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने यह भी कहा था धर्मो रक्षित है रक्षित है हतो हो धर्मो हतो हंतु, जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो इस देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस समय मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूँ कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने में चैलेंज किया था, इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उस समय पब्लिश किया था कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। भगवान राम ने जो हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित किया, भगवान राम ने जिस प्रकार से राम राज्य की जिस प्रकार से स्थापना की, जिस राम राज्य के बारे में आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते थे आजाद भारत में जो राज्य होगा, आजाद भारत में राम राज होगा। और उस राम राज की विशेषता क्या थी, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं दाहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब प्रेम लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का करो कि मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहाँ पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ,
जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा 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 का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूँ कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहाँ पर जो है जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहाँ पर जाकर के अयोध्या की तरफ जब उनके एक वो थे उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 के अंदर वहाँ जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा। और राम मंदिर जब उन्होंने तोड़ा वहाँ पर एक उनका शेख बयाजीत नाम का एक वहाँ पर का लोकल जिसको हम गवर्नर कहते हैं उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहाँ पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, कि वहाँ पर मंदिर था। ये ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पर जिस प्रकार से सर्वे किया 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहाँ पर पुनः बना, जब जब उस राम मंदिर की एक ईंट तोड़ी गई उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए पिछले लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा, 500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास, वो बलिदानों का इतिहास, किसी ने हिसाब लगा है कि उसमें राम मंदिर के उस वहां पर जो संघर्ष चले जो दंगे चले उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए। बड़े बड़े दंगे हुए लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी झुकी नहीं। क्योंकि ये राम मंदिर के रूप का तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं था, ये इस देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत के ऊपर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा और 1855 से जब से कागजात हमको मिलते हैं 1855 में वहाँ पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ, 1934 में फिर वहाँ पर दंगे हुए, मैं ज़्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। 1949 के अंदर 22 और 23 दिसंबर के एक मध्य भाग में वहाँ रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में रखी थी उनके मध्य भाग में रखी गई। 1950 के अंदर वहाँ एक सिविल केस किया गया और निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा इन लोगों ने मिलकर के उसके जो है वो हमारी जो युद्ध हमारा जो संघर्ष था वो हमारा संघर्ष चलता रहा। मैं इसके साथ साथ कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही थी वहाँ पर दूसरी तरफ जन आंदोलन भी इस देश के अंदर चल रहा था। और जन आंदोलन सबसे पहले 1983 में हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पर मैं बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 1983 के अंदर जब सबसे पहले जन आंदोलन चलाने की बात हुई तो मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली के अंदर श्री गुलजारी लाल नंदा जो इस देश के दो बार अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, और श्री रज्जू भैया जी, दाऊदयाल खन्ना जी, महंत रामचंद्र दास जी, इन लोगों की अध्यक्षता एक बहुत बड़ी मुजफ्फरनगर के अंदर हुई। और उसके बाद 1984 में प्रथम धर्म संसद का विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया, अशोक सिंघल जी ने उसकी जो अध्यक्षता की थी। और उस जमाने के अंदर इसका अगर किसी को डिटेल पढ़ना हो तो हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता आदरणीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है माई कंट्री माई लाइफ, उसके अंदर इस बात का पूरा उसने डिटेल दिया है। धर्म यात्रा सितंबर 1984 के अंदर शुरू हुई, एक प्रकार से एक जन आंदोलन शुरू हुआ, बिहार के सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक एक यात्रा निकाली गई। 1986 में महाशिवरात्रि के दिन कि वहाँ पर जो है उसके जो इस प्रकार से कोर्ट ने कि वहाँ पर जो ताले लगा दिए, तो 1950 के बाद कि वहाँ पर जो उसको दोबारा उसको ताले खोले जाएं या ताले तोड़े जाएं, जो लेकिन यूपी गवर्नमेंट उसमें की उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो कोर्ट में जाकर गया, लेकिन कोर्ट ने उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन हाई कोर्ट ने जब उनको पूजा के लिए परमिशन दिया, पर या बाद में जाकर के कुंभ के अंदर
1 फरवरी 1989 के अंदर लगभग 1,00,000 साधु और संत हमारे जो है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जो इकट्ठे हुए और उन लोगों ने तब रामशिला के रामशिला जग कर गए, उनका जो है पूजन करके वहां पर अयोध्या में ले जाया जाएगा और वहां पर जाकर के जिस प्रकार से दोबारा राम मंदिर का शिलान्यास होना चाहिए ये निर्णय किया गया। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने भी तय किया कि उन्होंने भी इस देश की अस्मिता के ऊपर एक खतरा है, इस देश की अस्मिता का प्रश्न है, हम सब लोगों के सबके सम्मान का प्रश्न है और इसलिए 1989 के अंदर जिस प्रकार से हमारी विश्व हिंदू परिषद ने अपनी यात्रा शुरू की थी, हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 25 सितंबर और जो सोमनाथ से और 30 अक्टूबर तक जो अयोध्या की जो है यात्रा जो है उस समय शुरू की। और आप सब लोगों को मालूम है कि उस समय लोग नारा लाखों करोड़ों लोग ये नारा लगाते थे कि कसम हम जय जय श्री राम करके सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप सब लोगों को मालूम है कि आडवाणी जी जो है समस्तीपुर बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार की थी और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। जब ये तय हुआ कि अक्टूबर के अंदर 30 अक्टूबर में ये तय हुआ था कि हम लोग 30 अक्टूबर 1992 में जाकर के सब वहाँ पर जो है जाकर के शिलान्यास करेंगे, तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था अरे आदमियों की बात तो क्या है, कार सेवकों की बात तो क्या है, एक चिड़िया भी अयोध्या के अंदर जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और उसमें जिस प्रकार से हमारे 50 कार सेवक मारे गए, गोली का निशाना बने, मैं उन कार सेवकों को भी आज इस सदन के अंदर उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इसके साथ साथ उन लोग 1,74,000 जो लोग मारे गए उन सबको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं जैसे मैंने कहा था कि एक तरफ जो है विश्व हिंदू परिषद का वो चल रहा था, दूसरी तरफ अयोध्या के अंदर ही चल रही थी और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चलती रही। हाई कोर्ट ने ये कोर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी हाई कोर्ट का कहा था कि 6 दिसंबर से पहले उनको अपना निर्णय देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं दिया। उनका निर्णय जो है वो 11 दिसंबर को आया, इसलिए कार सेवकों ने 6 दिसंबर को जो घटना घटी जो हुआ वो सब लोगों के सामने उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद कोर्ट की जिस प्रकार से लड़ाई चलती रही और जिस प्रकार से तीन जजों ने उसमें एक हमारे मुस्लिम जस्टिस भी थे उन्होंने ये आदेश दिया, बाद में ये कोर्ट में से इसको छोटा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस गया। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा शोभा की बात यह है कि जब इस देश के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने ये श्रेय भी उनको जाता है। और जिस प्रकार से 41 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिन प्रतिदिन उसकी डेली उसकी सुनवाई होती रही और हमारा 2019 के अंदर 9 नवंबर 2019 के अंदर उसका निर्णय आया। लेकिन एक दो लोगों की बात मैं जरूर इस बात को कहूँ, एक के पर्सन 92 साल के एडवोकेट जो रामलला के उसमें और जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल उनका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूँ कि देवकी नंदन अग्रवाल जी ने ये कहा था, ये पहली बार मुझे लगता है न्यायिक इतिहास में जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर एक भगवान राम की ड्यूटी को उनके देवता को एक आदमी के रूप में जिसको भारतीय जो हमारा जो धार्मिक संहिता है उसके अंदर उनको जो है डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग की उनके जो परिभाषा दी गई उनके नाम पर राम को भगवान राम को रामलला को उनके रामलला विराजमान है जन्म स्थान उनको वादी बनाया गया। और वादी के आधार पर जिस प्रकार से के परसरन जी ने नंगे पैर सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर के 92 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कभी कुर्सी पर नहीं बैठे, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने उस कोर्ट चलाया अपना केस चला और जैसे मैंने कहा कि 9 नवंबर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि वहाँ भगवान राम का मंदिर बने और भगवान राम का मंदिर वहाँ बनना शुरू हुआ। और आप सब लोगों को मालूम है कि भगवान राम का मंदिर बन करके जिस प्रकार से अभी 22 जनवरी को उसके रामलला के वहाँ पर जो है उनकी प्रतिष्ठा हुई। मैं इसलिए कभी कभी
काल, कभी कभी इतिहास में इस प्रकार के कालखंड आते हैं, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं समाज के अंदर, ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं जिनको हमेशा आगे वाला युग जो है आगे आने वाला समय याद रखेगा। और जैसे किसी सार ने कहा था कि हजारों साल नरगिस, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, चमन में दिदावर पैदा। ये मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, इस देश के अंदर आए और जिस प्रकार से उन्होंने न केवल राम राम का मंदिर बना, राम राज लाने का उन्होंने जो काम किया, ऐसा एक राम राज जहाँ सर्वे साम है विरोधेन, सर्वे साम मंगलार्थ, सबके मंगल के लिए इस प्रकार उन्होंने उसका कहा था। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं अपने सभी साथियों के बात बताना चाहता हूँ, राम के जमाने में भगवान वशिष्ठ ये, महर्षि वशिष्ठ ये कहते थे, मैं उन्होंने केकई को समझाते हुए कहा था, जहाँ पर राम नहीं है, जहाँ राम नहीं है वहाँ राज, वहाँ राम राज वहाँ जो है वो राष्ट्र नहीं हो सकता, जहाँ राम है वहीं पर राष्ट्र है। और इसलिए हम लोगों को जो है नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो ने भूपति, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो ने भूपति तद वनम भविता राष्ट्रम रापो निर्वसते दी, जहाँ पर राम है वहीं पर राष्ट्र है, जहाँ राम नहीं है वो राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर हम इस देश के हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है वयम राष्ट्र जागरिया में पुरोहित है, अगर हम राष्ट्र के जागरूक होकर हम प्रहरी हैं तो हमको भगवान राम को याद रखना पड़ेगा। अगर इस देश का राष्ट्र का हमको निर्माण करना है, 15 अगस्त 1947 को एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, उस समय हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी 15 अगस्त 1947 को, मैं उनको कोट करता हूँ, ए मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली व्हेन स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन एन एज एंड्स एंड द सोल ऑफ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अट्रेंस। इतिहास के कालखंड में एक आधवार निराली घड़ी आती है जब हम अतीत से अद्यतन की ओर कदम बढ़ाते हैं, एक युग का अस्त होता है और चिर विवर्धित राष्ट्र की आत्मा मुखरित हो जाती है। आज ये राम मंदिर बनने के बाद जो है एक चिर मुखरित हमारी आत्मा इस देश की असामूहिक चेतना वो जागृत हो गई है। और सूर्यकांत निराला उनकी एक पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम की तरफ लेकर चलता हूँ। इस अमृत काल के इस सूसा काल के अंदर हमारे सूर्यकांत निराला जी ने लिखा था, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नवल जलद मंत्र रव नव नव के नव विहंग वरंद को नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी। आज इस देश के अंदर सार्थक हो रही है। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मैं ये कहता हूँ, सांसद मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस अमृत काल में अगले 25 वर्ष हमारा इष्ट देवता केवल मात्र भारत है, केवल मात्र भारत, अन्य देवताओं को भूल जाओ, केवल भारत को इस देवता को याद रखना है, इस भारत की प्रगति इसका वैभव, यही है हमारा मोक्ष और यही है हमारा धर्म। मित्रों चंदन बने इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, चंदन बने इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम हो, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सम्मानित सदस्यों मित्रों को मैं ध्यान देता हुआ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय